अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप अपना ग्रास ब्रश बना सकते हैं कस्टमाइज। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपना जो कैनवास का साइज़ है वो मैं चेंज कर रही हूँ 512x512। और यहाँ से मैं ले रही हूँ पेन ब्रश और यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी। आप चाहे जो भी कलर से कर लें क्योंकि छः कलर आप बाद में चेंज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ग्रीन कलर ले रही हूँ। और यहाँ पे मुझे स्ट्रोक्स लगाने ऊपर की तरफ इस तरह से। बहुत इजी है बनाना, बहुत इजीली आप बना सकते हैं। अगर आपको पता है कि कस्टम ब्रशेस कैसे बनाते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं नीचे से गोल इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरा नीचे से जो पार्ट है वो फिल वाला आए। ठीक है, इस तरह से आपने इसको लगाना है। आप इसको थोड़ा सा पतला करके भी लाइंस लगाएं। आप चाहे तो आप पेन ब्रश भी ले सकते हैं, कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि जिस तरह से इसके आगे से शार्प होनी चाहिए तो उसके लिए पेन ब्रश ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना आप पेन ब्रश लेके उसकी भी सेटिंग कर सकते हैं या पेंसिल ब्रश लेके उसकी भी सेटिंग कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे पास पेन जो है पेन शार्प में पहले से ही जो है वो शार्पनेस होती है, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है जी, ये मेरा बन गया। और अब मैं यहाँ पे इसको जो है मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है मल्टी ब्रश और मैं यहाँ से कर रही हूँ करंट कैनवस। अब यहाँ से मुझे इसकी ब्रश की सेटिंग्स करनी है। पहले सबसे पहले उसकी विड्थ, ब्रश स्पेसिंग, ये आपने खुद देख लें कि आपने कितनी स्पेस रखनी है। देन यहाँ से मैंने ये रोटेशन का जो है वो ज़ीरो कर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ से अब मुझे इसको सेट करना है। ये देखें, मैं इसकी स्पेसिंग जो है ये स्पेसिंग इसकी मैं कर रही हूँ कि मुझे इसकी कितनी स्पेस चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, ये आपने अपने अकॉर्डिंग सेट करनी है। विड्थ तो आप बाहर से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया ताकि ये मुझे स्ट्रेट मिले। ये देखें, ये ले जी, ये मेरी सेटिंग मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये सेटिंग कर रही हूँ। ओके ओके, ये अब मैं इसी को ही मैं साइज़ मैंने चेंज नहीं किया, मैं इसी पर ही न्यू लेयर लेकर आपको देख के करके बता रही हूँ। ये देखिए, ये आपका ग्रास ब्रश बन गया। आप इसमें कलर चेंज करते जाएं जो भी आपने करनी है। ये देखिए, जब आप इसको प्रॉपर यूज़ करते हैं ना तब आपको पता चलता है कि कैसा बना। ये देखें, ये बिल्कुल आपको ग्रास की लुक दे रहा है। तो आप इस तरह से ये एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपनी एनवायरमेंटल आर्ट वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये आपके ब्रशेस वगैरह बहुत यूज़ होते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आगे एक आर्ट वर्क भी करवाऊँगी जिसमें जो है हम ये ब्रशेस यूज़ करेंगे और एक अच्छा सा प्यारा सा आर्ट वर्क तैयार करेंगे। आप इसमें मज़ीद इसमें आप अपनी सेटिंग्स देख सकते हैं। अगर आपको लगता है अभी आपका ब्रश आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरा ब्लैक कलर है। मैं अगर यहाँ से आप जो भी कलर लें आप वो ले सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस कलर में बनाया है आप सिर्फ वही कलर ले सकेंगे, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। आप यहाँ से अपने ब्रश का जो है नेम चेंज कर सकते हैं, कस्टम ब्रश 1 मैंने रखा है, आप जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।